मैंने आपसे कहा जो स्मॉग है, स्मॉग क्या होता है? फोटोकेमिकल, सॉरी स्मॉग क्या होता है? फॉग प्लस SO2, हाँ या ना? लेकिन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में, सुनिएगा, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक, अगर ये लोग एक रिएक्शन करें, यही अपना जो स्मॉग है, बेसिकली होता क्या है कि जब सनलाइट की प्रेजेंस में स्मॉग जो है वो अल्ट्रा, सनलाइट की प्रेजेंस मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रेजेंस, सनलाइट की प्रेजेंस मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रेजेंस, तो जब ये जो स्मॉग है ये अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रेजेंस में क्या बनाता है? ये अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रेजेंस में बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, डाई, ठीक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनाता है, ठीक। और ये जो NO2 होती है ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा, कहीं पर अगर इंडस्ट्रीज है, सुनना ध्यान से, कहीं पर अगर इंडस्ट्रीज हैं तो क्या होगा? ज्यादा पोल्यूशन, ज्यादा सीडिंग साइट, और ज्यादा सीडिंग साइट का मतलब ज्यादा कोहरा, हाँ या ना? सब लोग हाँ करते जाओ। दूसरा, अगर कहीं पर किसान पराली ज्यादा जला रहे हैं तो वहां पर भी ज्यादा सीडिंग साइट और ज्यादा कोहरा, हाँ या ना? अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन वेस्ट बहुत निकल रहा है, PM2.5, PM10 बहुत निकल रहा है, ज्यादा सीडिंग साइट, ज्यादा कोहरा, आया ना? यानी कि कोहरा इज कॉल्ड ग्राउंड क्लाउड, ठीक। और ग्राउंड क्लाउड कब बनेगा? जब उसके पास में बनने के लिए बहुत सारी सीडिंग साइट्स होंगी, आया ना? अब कोहरा बारिश नहीं करता, क्यों? कोहरा बारिश नहीं करता, बस आखिरी में ड्यू छोड़ जाता है। ये बात समझ में आती है? नहीं समझ आती है? कोहरा बारिश नहीं करता, आखिरी में ड्यू छोड़ जाता है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई बहुत सारी सीडिंग साइट बन गई और उन सीडिंग साइट्स के अराउंड थोड़ा बहुत मॉइस्चर इकट्ठा हो गया। अब क्योंकि सीडिंग साइट्स बहुत हैं तो बारिश तो हो नहीं सकती, क्योंकि उनका ड्यू पॉइंट तो उनका रीच नहीं हो सकता। लेकिन अब हुआ क्या कि जब ये कार्यक्रम आपका रात से होने लगा, कोहरा हो रहा, धुंध धुंध, शाम को 6 बजे से पड़ने लगी, सुबह का जो समय होता है 1, 2, 3, 4 बजे का, इसमें टेम्परेचर एक्सट्रीम ड्रॉप होता है, ठीक, इसमें टेम्परेचर एक्सट्रीम ड्रॉप होता है। जब टेम्परेचर एक्सट्रीम ड्रॉप होगा तब क्या होगा? ये जितनी भी कोहरे, ये जितनी भी आपकी बनी हुई है मामला पूरा फॉग का, इसकी जो टेम्परेचर कम होने के कारण ये क्या होगा? बहुत श्रिंक होने लगेगी, और श्रिंक होने के कारण क्या होगा कि जो भी कुछ मॉइस्चर है वो वहीं पर छोड़ देगी, किसके फॉर्म में? ड्यू के फॉर्म, ठीक। और जो फिर भी थोड़ी बहुत सीडिंग साइट रह जाएंगी आसमान में, अब मॉइस्चर तो गिर गया, सीडिंग साइट्स कई कई बार होता है थोड़ी बहुत सीडिंग साइट्स रह जाती हैं, तो जब सनलाइट निकलेगी, सनलाइट निकलने के बाद नीचे जो है वो गर्म होना चालू होगा, और हवा जब गर्म होना चालू हुआ तो क्या हुआ? कन्वेक्शन होना चालू होगा, नीचे की हवा ऊपर जाना चालू करेगी, उसमें उस हवा के साथ में ये सारा का सारा मामला डिस्पर्स हो जाएगा। और अगर बीच में लो प्रेशर बन गया तो लो प्रेशर बनने का मतलब क्या है? आसपास के एरिया से हाई प्रेशर से हवा भी आने लगेगी, और एक बार अगर हवा चलने लगी तो हवा एक्ट्स एज वाइपर ऑफ योर विंडशील्ड, विंड एक्ट्स एज वाइपर ऑफ योर विंडशील्ड।